हेलो दोस्तों, आज नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आए गंजपाड़ा दुर्गा पंडाल आपको वीडियो दिखाने के लिए। चलिए आज का हम आपको वीडियो दिखाते हैं, कहता है आज कहाँ यहाँ क्या क्या किया गया है सब कुछ दिखाते हैं आपको। चलिए नए ब्लॉग में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे गंजपाड़ा दुर्गा पंडाल में। आप देख सकते हैं कैसे कैसे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं देखने के लिए यहाँ पे। आप देख सकते, चलिए हम आपको भी दिखाते हैं आज कैसा यहाँ पे कैसा पंडाल है, क्या है सब चीज़ें। लाइटिंग देख सकते हैं यहाँ, पब्लिक देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। चलिए और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं लाइटिंग व्यवस्था क्या क्या चीज यही सब चीज दिखाते हैं यहाँ पे गंजपाड़ा में आपको। आप देख सकते हैं दुर्गा पंडाल गंजपाड़ा की कैसी लाइटिंग है, ये क्या है क्या नहीं ये सब देखिए। आप सामने देखिए कितना क्राउड है, कितने लोग आए हैं यहाँ पे देखने के लिए और कैसे कैसे लोग सब देख रहे हैं यहाँ पे भी। आगे चलते हैं आपको और दिखाते हैं यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था, गेट और सब दिखाते हैं। गंजपाड़ा है, दुर्ग का गंजपाड़ा में आए हुए हैं हम आज। आप देख सकते हैं कितना क्राउड है यहाँ पे, सब लोग आए हुए हैं, लाइटिंग ये सब चीजें आप देख रहे होंगे कि कैसा है क्या है कितना है। देखें पूरा रोड भरा हुआ क्राउड से, बहुत सारे लोग आज आए हुए हैं यहाँ पे दुर्गा जी देखने के लिए गंजपाड़ा में। यहाँ फ्रंट से देख सकते हैं सामने का गेट, कितनी अच्छी लाइटिंग की गई है, सब कुछ किया गया है। आप देख सकते हैं बाहर को गुजर देख सकते हैं पूरा गंजपाड़ा दुर्ग में। ये है दुर्गा पंडाल, वहाँ पे हम आए हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का देखते हैं अंदर क्या क्या है, लाइटिंग की कितनी अच्छी व्यवस्था की है सब चीज़ें। आप देख सकते हैं कितने बहुत सारे लोग आ जाए हुए हैं यहाँ पे दुर्गा जी को देखने के लिए। यहाँ का क्या 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 सब चीज़ें देखने हैं, देख सकते हैं बहुत कितना क्राउड है यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए तुम्हारी। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर दिखा रहे हैं लाइटिंग, देख रहे हैं कितनी अच्छी लाइटिंग की गई यहाँ पे गंजपाड़ा दुर्ग में। चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर का आपको दिखाते हैं अंदर कैसा है क्या नहीं है सब चीज दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं अंदर कितने अच्छे अच्छे चीज, कितने क्राउड है क्या है, पंडाल कितना खूबसूरत बनाया गया सब कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा अच्छा यहाँ पे है पंडाल सजाया गया है, कैसे बनाया गया है देख सकते हैं आप। देखिए आप कितनी अच्छी लाइटिंग की गई है। अच्छा पंडाल बनाया गया है, कितनी अच्छी लाइटिंग की गई, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सुंदर लग रहा है गंजपाड़ा दुर्ग में। चले और आगे दिखाते हैं माता की मूर्ति आपको, दिखाते सब कुछ दिखाते हैं और आगे चल के बनते हैं। मैंने माता का मूर्ति स्थापित किया है गंजपाड़ा में, कितनी अच्छी सुंदर मूर्ति है। आप लोग भी देखिए और दर्शन कीजिए, जो यहाँ पे आ नहीं सकते हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बन के देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए Lands through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands through the highways and on. चैनल है, हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, इनके भी यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट कीजिए, इनको भी सपोर्ट कीजिए, इनके भी वीडियो देखिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्राउड है, कितना पीछे क्राउड, आप देख रहे हो पीछे पंडाल भी आपको दिख रहा होगा सब चीजें, कितने लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए देखने के लिए यहाँ का गंजपाड़ा का। भगवान की इतनी अच्छी फोटो लगाई गई है यहाँ पे। इतने अच्छे से पंडाल बनाया गया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। कितना अच्छा
पंडाल बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है। देख रहे हैं कितनी अच्छी लाइटिंग की गई, देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना क्राउड है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज यहाँ पे दुर्गा जी को देखने के लिए गंजपारा में। आप देख सकते हैं कितना क्राउड, कितनी अच्छी लाइटिंग की गई, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, कितनी अच्छा डिजाइन किया गया है सब कुछ। देख सकते हैं आप कितना अच्छा डिजाइन किया, प्रेम मंदिर वृंदावन बनाया गया यहाँ पे गंजपारा में, प्रेम मंदिर वृंदावन मथुरा में जो स्थापित है वो आज गंजपारा में बनाया गया। कितना अच्छा बनाया गया यहाँ पे, देख सकते हैं लुक वाइज में हर चीज में अच्छा है। चलिए अब हम बाहर चलते हैं, बाहर का आपको दिखाते हैं, बाहर में क्या क्या है क्या नहीं है सब चीजें दिखाते हैं आपको, और आगे चल के दिखाते हैं आपको। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और कमेंट करके जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्या लगी सब बताइएगा हमको। आप पीछे पंडाल आपको दिख ही रहा होगा कंटिन्यू। चलिए आगे चलते हैं, आपको इतना ज्यादा क्राउड है, देख सकते हैं आप कैसे कोई बांसुरी बेचने आए, कुछ कुछ ना कुछ यहाँ पे करने आए अपना, और कितना ज्यादा क्राउड है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कितनी अच्छी लाइटिंग की गई है। और आगे चलते हैं आपको, आपको दिखाते हैं, हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। कितनी अच्छी प्रतिमाएं लोग लेके आए हैं यहाँ पे दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए, अपना दुकानों में बेचने के लिए, सेल करने के लिए। हनुमान जी हो गए, शंकर जी हो गए, लक्ष्मी हो गई, राधा कृष्ण हो गया। सके वो देख सकते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।